सो हेलो कैप्टन ऑफ वार्म बैंड एंड वेरी गुड न्यूज फॉर एफसी गोवा फैंस। आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, सो आई नो डोंट नीड टू एलैबोरेट। क्या न्यूज है एफसी गोवा फैंस के लिए? मैनोलो मार्केज, जिनके लिए हर एक आईएसएल क्लब एक्सेप्ट फॉर एटीके मोहन बगान मुंबई सिटी एफसी फाइट कर रहे थे, नो अदर टीम बट एफसी गोवा ने उनको पोच कर लिया है। मैनोलो मार्केज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, ऐसा नहीं है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आके करना पड़ रहा है, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा था। हर एक इंडियन क्लब एक्सेप्ट एटीके मोहन बगान मुंबई सिटी एफसी उनको अपने क्लब में रिक्रूट करने के लिए वे ईगरली वेटिंग, और एफसी गोवा आर द टीम विच टू विच ही इज गोइंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एफसी गोवा के लिए। आई विल टेल यू द ट्रूथ, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है एफसी गोवा के लिए। सालों दर साल हमने देखा है कि एफसी गोवा आर द टीम हु इज बीन लूटेड, उनको लूट लिया जाता है। वो अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, कभी मुंबई सिटी एफसी, कभी एटीके मोहन बगान, कभी ईस्ट बंगाल, कभी हैदराबाद, जो भी आता है उनसे प्लेयर्स ले लेते हैं। एज अ रिजल्ट वो कभी एक प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर पाते आफ्टर दैट ब्रिलियंट सीजन अंडर सर्जी लोबेरा, वो भी पोच कर लिए गए थे। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट फीलिंग फॉर गोवा फैंस कि मैनोलो मार्केज जैसे कोच बहुत लॉयल कोच है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था इन हैदराबाद, और मोस्ट प्रोबली एफसी गोवा में भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, और जब वो क्लब से निकलेंगे 2 या 3 साल बाद या जितने भी साल हो, ही विल टोटली चेंज एफसी गोवा, क्योंकि मैनोलो मार्केज टाइट बजट के अंदर काम करना जानते हैं, वो प्लेयर डेवलपमेंट जानते हैं, उनका टैलेंट आईडी मतलब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। सो अगर ओवरऑल बोलूं, दिस इज अ रिवोल्यूशनरी साइनिंग फॉर एफसी गोवा, क्योंकि बहुत टाइम से एफसी गोवा जूझ रही थी। आई विल टेल यू द ट्रूथ, जूझ रही थी बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा पैसों से जा रही थी, दे कुडंट बाय, मनी बॉल मॉडल भी नहीं ले पाए थे, वो बीच में कहीं अटक गए थे। सो विद मैनोलो मार्केज एक चीज तो सही है, टीम अब एक सॉलिड कोच के अंडर एक प्रॉपर वे में रन करेगी, और एफसी गोवा बहुत टाइम से यही कोशिश कर रही थी, अपने जो पुराने वाले फॉर्म है वही टाइम का फॉर्म, जब कोरोमिनास खेलते थे, जब प्लेयर्स लाइक हुगो बुमू यूज्ड टू प्ले, उस टाइम में लौट जाने की, एंड दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम फॉर देम टू डू दिस। और मैनोलो मार्केज के अंडर में और एक दो एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि हमें ज्यादा स्पेनिश खिलाड़ी देखने को मिलेंगे इन द साइड, एडुबेदिया जैसे प्लेयर शायद रिटेन हो जाए, क्योंकि एडुबेदिया टाइप के प्लेयर्स मैनोलो मार्केज को पसंद है, और जो भी एफसी गोवा फैन जानना चाहते हैं कि मैनोलो मार्केज का फिलोसॉफी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंने खुद एक पॉडकास्ट किया है फॉर आर्मबैंड जहां पे हमने मैनोलो मार्केज को पॉडकास्ट में लाया था। ही टोल्ड हाउ डिड ही फील अबाउट ऑल दोस थिंग्स, हाउ ही फील्स अबाउट द टैक्टिक्स, हाउ ही फील्स द टीम शुड प्ले, वो सब है। सो यू कैन टोटली चेक द वीडियो हमारे चैनल में, मेन पेज में जाके जस्ट सर्च मैनोलो मार्केज और आर्मबैंड का जो वीडियो है शॉर्ट कॉर्नर, उस पर देख लीजिएगा। सो एफसी गोवा फैंस विल नो व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, बट आई विल टेल यू द ट्रूथ, दिस इज अ बिग बिग साइनिंग। और आज का मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत साल बाद यहाँ पे एफसी गोवा फैंस आएंगे, अगर कुछ बड़ा बिग मिसहैप डजंट हैपन, मैनोलो मार्केज विल बी अ बिग हिट फॉर एफसी गोवा, क्योंकि एफसी गोवा एक ऐसा टीम है जो बहुत टाइम देती है कोच को। इवन दिस सीजन कार्लोस पेनिया के अंडर बहुत लोग उन पे सवाल उठा रहे थे, बट एफसी गोवा ने उनके साथ स्टिक किया। हमने बहुत क्लब्स को देखा जो स्टिक नहीं करेंगे और सैक कर देते हैं, बट दैट्स नॉट एफसी गोवा। एफसी गोवा इज अ वेरी गुड टीम विच फील्स लाइक अ फैमिली, सो उनको मैनोलो मार्केज जैसा कोच मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, हैदराबाद एफसी अब क्या करेगी? सो हैदराबाद एफसी के लिए ऑप्शन तो ईजी ही है, हैदराबाद एफसी मस्ट फाइट फॉर जोसेफ गंबाउ, क्योंकि गंबाउ भी मैनोलो मार्केज जैसे स्टाइल के कोच नहीं है, बट प्लेयर्स जो थोड़े से प्लेयर आइडेंटिफिकेशन और प्लेयर डेवलपमेंट में वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, एग्जैक्टली दैट रोल विच वॉज प्लेड बाई नन अदर देन मैनोलो मार्केज, क्योंकि मैनोलो मार्केज ने भी एक शूस्ट्रिंग बजट पे अपने टीम को बहुत अच्छा खिलाया था। द सेम थिंग कैन बी डन बाई जोसेफ गंबाउ। ईस्ट बंगाल है फ्रंट रनर उस रेस के, बट आई थिंक इफ एफसी गोवा कम्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट अ हाई चांस टू गेट अ प्लेयर लाइक हिम। अब और एक बड़ा सवाल जो आता है, दैट इज क्या और कोई टीम्स नहीं जाएंगे उनके ऊपर? यस, और भी टीम्स उनके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और भी टीम्स करेंगे जोसेफ गंबाउ पर। हैदराबाद को अगर डेवलप करना है, दे हैव टू मूव विद जोसेफ गंबाउ। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ द शो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई यहाँ पे पापा पेरेस ने लिखा है, भाई मैनोलो टोर अप द लीग विद एचएफसी स्क्वाड, जस्ट इमेजिन विद गोवा स्क्वाड, स्केरी। एब्सोल्युटली आई टोटली अग्री विद पापा पेरेस।
बहुत स्केरी होगा ये. व्हाई व्हाई इट विल बी स्केरी, क्योंकि एफसी गोवा के पास ऑलरेडी एक स्क्वाड है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है हु आर इंडिया क्वालिटी, जो इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं, हु आर दैट गुड. हैदराबाद में जब उन्होंने आया था ऐसे स्क्वाड नहीं था. हैदराबाद का स्क्वाड वॉज रिजेंबलिंग टैलेंटेड प्लेयर्स जो बाकी टीम्स में आउट ऑफ फेवर थे, वो लोग खेल रहे थे आके. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मैनोलो मार्केज ने ही जस्ट, आई विल जस्ट एग्री विद पापा वेल्वे, ही टोर अप द लीग. प्लेऑफ स्पॉट में फिनिश नहीं कर पाए थे, बट अगेन प्लेऑफ स्पॉट से कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं. उसके बाद वो लोग चैंपियन बने और एफसी गोवा के पास ऑलरेडी दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स, एडुबेदिया जैसे प्लेयर्स, एल्वारो वेस्केज जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी है. जस्ट इमेजिन एल्वारो वेस्केज अंडर समवन लाइक मैनोलो मार्केज, स्केरी स्केरी स्टफ. इसमें कोई डाउट नहीं, इट्स स्केरी. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू हैव गाइज हैव टू कीप इन माइंड, हैदराबाद का सिचुएशन मैं बार 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 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद के लिए अब एक बड़ा बड़ा सिचुएशन है, क्योंकि हैदराबाद मैनोलो मार्केज के अंडर था, मैनोलो मार्केज वे में खेलता था. सो हु विल दे नाउ गो फॉर, ऑप्शन तो एक ही मुझे लगता है दैट दे कैन गो, दैट्स जोसेफ गंबो. मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज द मैन. हाँ, दे कैन गो फॉर समवन लाइक एंटोनियो लोपेज हबास, क्योंकि ही इज इन टॉक्स फॉर रिटर्निंग. और एक आज रूमर वैसा भी आया कि संतोष कश्यप इज रिटर्निंग टू आईएसएल. क्या वो हैदराबाद के कोच होंगे? हैदराबाद के कोच होंगे ये मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हैदराबाद एफसी इंडियन कोच लेंगे. मोस्ट प्रोबेबली दे विल टेक अ फॉरेन कोच, बट टफ टाइम्स फॉर हैदराबाद एफसी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एफसी गोवा अब कैसे, क्योंकि एफसी गोवा का एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव मैनोलो मार्केज अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही हैव टू बी गिवन द पावर ऑफ द स्क्वाड. आप स्क्वाड के ऊपर बार 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 अपना बात नहीं कर सकते. मैनेजमेंट हैव टू गिव द फुटबॉलिंग डिपार्टमेंट टू मैनोलो मार्केज ओनली, क्योंकि मैनोलो मार्केज वैसे ही सक्सेस लाते हैं, क्योंकि हैदराबाद ने उनको हेल्प किया, जो भी डिमांड किया हैदराबाद से मैनोलो मार्केज ने वही प्लेयर्स वही उनको दिया एंड ही प्रोड्यूस द रिजल्ट्स. हमने देखा है आशीष राय, कौन जानता था आशीष राय इतना टॉप इंडियन राइट बैक होगा. ही बिकेम वन अंडर मैनोलो मार्केज. प्लेयर्स लाइक आकाश मिश्रा, उनको जापान में आकाश मिश्रा को बुला रहे थे, द डील गॉट कैंसिल बिकॉज ऑफ कोविड. वही हु वॉज आकाश मिश्रा? आकाश मिश्रा वॉज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट अंडर हिम इट ऑल चेंज एंड इट ऑल स्टार्टेड. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. एफसी गोवा के पास ऑलरेडी टैलेंट है, क्योंकि एफसी गोवा सलगावकर, स्पोर्टिंग क्लब द गोवा, डेम्पो, इनके जो प्लेयर्स है इन लोगों को ले आके टीम में खिलाते हैं. सो मैं जानता हूँ इट्स अ बिट इरिटेटिंग, बट आई हैव टू से Guys who are still watching our video, please subscribe to our channel. थोड़े अपने friends को भी हमारा channel share कर देना, ताकि वो भी हमारे channel को like करे और subscribe करे, ताकि हम और भी ज्यादा content बना पाए. Because यही motivation है हम लोगों का, Indian football सबके घर 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 में हर एक news आ जाए. क्योंकि पहले लोग यही बोलते थे, एक dedicated channel नहीं है जो रोज Indian football का news हिंदी जैसे एक colloquial language, जो normal language है, जब सब समझ पाते हैं उसमें करते हैं. There were none. So we tried to do it. We are doing it. So please guys, it will be a very big help. You can do it. Now coming to Papa Bear's second comment. He is a very interesting guy. He's saying, bhai, who knows? HFC didn't offer extension because they have eyes on someone. Even interesting. Bhai, I agree with you. But I also, main thoda skeptical hu, kyunki you will also agree ki Hyderabad FC ke liye Manolo Marquez was the man who made Hyderabad FC, Hyderabad FC. Agreed. So, बड़ा नाम आपके दिमाग में हो सकता है, बट यू हैव टू सी इफ इट इज कंपेटिबल और नॉट. ये वैसा वाला सीन हो सकता है, हैदराबाद कुछ साल जब एटीके ने, पहले जब एटीके थी तो एटीके ने सैक कर दिया था एंटोनियो लोपेज हबास को और फिर से उनको ले आई थी. आई कैन सी दिस हैपनिंग जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एफसी गोवा में खत्म हो जाएगा. आई थिंक अगर कुछ ज्यादा नहीं कर पाती हैदराबाद एफसी, वो फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे मैनोलो मार्केज. बट या मुझे अभी भी लगता है जोसेफ गंबो जैसे मैनेजर विल बी द बेस्ट फॉर देम, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ आईएसएल प्रूवन मैनेजर द बेस्ट फॉर आईएसएल. सर्जी लोबेरा जो लोग बोल रहे हैं, सर्जी लोबेरा नहीं होने वाला कोई भी सिटी फुटबॉल ग्रुप से, क्यों छोड़ के आएगा? वो जानते हैं सिटी फुटबॉल ग्रुप में वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द टीम ही इज परफॉर्मिंग, ही माइट गेट अ चांस टू मैनेज जिरोना. और समडे अगर जिरोना में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो इन द मेजर लीग सॉकर, वहां पे भी सिटी ग्रुप का टीम है और वहां पे भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, हु नोज, there is Manchester City, you never know. India के लिए भी proud moment होगा. So you never, Sergio Lobera तो होने नहीं वाला. So most probably it will be someone like Antonio Lopez Habas or someone like Joseph Gumbo. ये मुझे लगता है. So guys, that is all for today.
एंड आई विल अगेन से प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम और भी ज्यादा कंटेंट ले आ पाए इंडियन फुटबॉल के बारे में. सो अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम अहमद. फिर मिलेंगे कल, और कल का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा फॉर मुंबई सिटी एफसी फैंस. वी विल कॉन्टेक्ट देम एंड वी हैव कॉन्टेक्टेड देम. कल हम बात करेंगे अबाउट द राइज ऑफ मुंबई सिटी एफसी एंड देयर फैन कल्चर्स. सो प्लीज आ जाइए. टुमारो विल बी ए एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टुमारो यू गाइज विल गेट. एंड पापा बेरेस थैंक्स थैंक्स फॉर द लाइक. एंड tomorrow we will bring a fan podcast as you all guys expected and requested, and we will bring because your request is our priority. So until then it's goodbye from Amban, and please thanks to everyone who is watching our video and giving us a time on a Sunday night. We are all